नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। उत्तराखंड की खबरों का रुख करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी और दुखद जानकारी का रुख करेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज का निधन हुआ है। महंत नरेंद्र गिरी महाराज का शव पंखे से लटका मिला, उसके बाद साधु संतों में शोक की लहर दौड़ गई है। महंत नरेंद्र गिरी के निधन से संत समाज में शोक की लहर है। प्रयागराज बागंबरी पीठ के पीठाधीश्वर थे महंत नरेंद्र गिरी महाराज। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि एक सुसाइड नोट भी इनके कमरे से बरामद हुआ है जो कि 5 पन्नों का है, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य का जिक्र किया है। दरअसल प्रॉपर्टी को लेकर लगातार विवाद बना रहता था, लेकिन ये नहीं पता था कि विवाद इस अंजाम तक पहुंचेगा कि महंत नरेंद्र गिरी महाराज का शव जो है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, पुलिस प्रशासन मौके पर है। इडजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया है। शोक की लहर, दुख की घड़ी है इस वक्त और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देश के लिए बहुत बड़े संत थे महंत नरेंद्र गिरी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। गिरी का देवासन अत्यंत दुखद है, पीएम मोदी ने दुख जताया। और आपको बता दें कि एक महंत आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया, खुदकुशी के लिए मजबूर हो गया, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से पीड़ित थे। आपको बता दें कि प्रयागराज बागंबरी पीठ के पीठाधीश्वर थे महंत नरेंद्र गिरी महाराज, जिसके निधन से संत समाज में दुख की लहर है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि एक संत भी इस तरह से खुदकुशी कर सकता है और 5 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखकर छोड़कर जाता है। इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। नरेंद्र गिरी जी का निधन बेहद दुखद है, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया है कि वो कितने दुखी हैं। योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश्वर माइन के भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। बेहद दुखद माहौल फिलहाल उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। और लखनऊ से ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, बेहद ही दुखद घटना है ये और बहुत ही दुख की बात है कि आज भी इस समाज में एक संत आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। इतने ज्यादा वो परेशान हो गए होंगे कि उन्होंने ये कदम उठाया। जी काजोल, हालांकि जब सूचना मिली थी तो एक सन्नाटा जरूर पसरा हुआ था और कह सकते हैं कि साधु संतों में एक रोष भी है कि आखिर ऐसा मामला क्या है, क्योंकि जो पुलिस है अभी बता यही रही है कि जांच पड़ताल उनकी चल रही है, आत्महत्या है या फिर इसका कोई और निष्कर्ष निकल रहा है। इस मामले में अभी पुलिस भी कतराते हुए जरूर नजर आ रही है। हालांकि जो उनके 7 लोग थे उनका ये कहना है कि आत्महत्या किया गया, लेकिन सवाल यहाँ पे यही उठ रहा है कि ऐसी क्या वजह होगी जो इस तरीके से उनको अपने लिए आत्महत्या का ही रास्ता चुनना पड़ा। और वही वो पुलिस जो है उनका ये कहना है काजोल कि अभी इस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि आत्महत्या किया है या फिर कोई और मामला निकल के आ रहा है। बिल्कुल रूबी, अगर देखा जाए तो ये जो पूरा 5 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला है इनके कमरे से, उसमें कुछ प्रॉपर्टी के विवाद का भी जिक्र है और ये किसी से छिपा नहीं है। इनके जो शिष्य थे आनंद गिरी, उनसे इनका विवाद लगातार बना ही रहता था। क्या यही मुख्य वजह हो सकती है कि महंत नरेंद्र गिरी ने इतना बड़ा कदम यहाँ उठाया है, संत समाज में इतनी शोक की लहर है? बिल्कुल काजोल, कह सकते हैं क्योंकि संत समाज में काफी नाम इनका था और काफी चर्चित नामों में से इनका एक नाम लिया जाता था, और ऐसे में जो जमीन जायदाद का जो मामले थे उनमें भी इनके पास काफी संपत्ति पाई जाती थी। जो इनके शिष्य रहते थे इनके साथ, उनका काफी दखल देखने को मिलता था। हालांकि आत्महत्या तक नौबत पहुंच जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और वही जो पुलिस है, जब उनसे बातचीत की गई तो उनका ये कहना है कि वो काफी गंभीर विषय है और ऐसे में जब तक जांच नहीं हो जाएगी ऐसे में किसी के ऊपर सवालिया निशान भी उठाना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं आत्महत्या के साथ साथ जो एविडेंस पाए गए हैं मौके पे, उसमें साफ यही दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे। आनंद गिरी का भी बयान जो है वो सामने आया है, जो नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं, उनका कहना है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि साजिश के तहत आनंद गिरी को फंसाया जा रहा हो और सुसाइड नोट जो सामने आया भी पूरी तरीके से खुलकर सामने नहीं आ पाया है? कुछ और वजह हो सकती है इसमें खुदकुशी की, या कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं?
आनंद गिरी लगातार इस बात को लेकर डिनाई करते चले आ रहे हैं। उनका यही कहना रहा है कि मैं भले ही इसके साथ रहता था, लेकिन ऐसी कोई भी मतभेद या मनभेद वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि नौबत इस तक आ पहुंचेगी। और वहीं जो पुलिस है उनका ये कहना है, इनके सर्कल में जितने लोग हैं उन सभी से पूछताछ की जाएगी, सारे जो लोग थे सादृश्य जो लोग रहते थे आसपास के जितने लोग थे उन सबसे पूछा जाएगा कि लास्ट बार किनसे उनका संपर्क हुआ है, किनसे इनकी बातचीत हो पाई है, लास्ट टाइम में उनको किसने देखा है। तो अभी ऐसे लेकिन बिल्कुल रूबी जांच का विषय है, क्योंकि उस साइड नोट में बहुत ही साफ अक्षरों में नरेंद्र गिरी जी ने लिखा हुआ है कि इसमें नाम अब आनंद गिरी का भी है। काजोल देखिए, सुसाइड नोट हालांकि देखा जाए तो अगर गंभीर ये टॉपिक जरूर है कि या ये भी कह सकते हैं सुसाइड नोट में ये साफ नाम निकल के आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में पुलिस जो है उनके जो तैयारियां हैं यानी कि जो फर्स्ट एड FIR होता है वो अभी कहीं से भी नहीं देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी देखने को मिलती है काजोल जी, जब वहां पे पहुंचती है पुलिस यानी कि जब जांच पड़ताल का मौके का जब जो साक्ष्य होते हैं उनको जुटाने में जुटती है। दूसरी बात यहाँ पे जो आसपास के लोग थे उन लोगों से बातचीत करने, हालांकि मीडिया का भी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा तक नहीं रखा गया, हटा दिया गया, और उसके बाद ये कहा गया जब इस तरीके से एविडेंस सामने आ जाएंगे तब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आखिरकार ये हुआ क्यों और कैसे हो गया। तो कहना इसमें ये बिल्कुल सही होगा काजोल, ऐसे जो साधु संत है वो अगर आत्महत्या तक की नौबत आ रही है तो वजह ऐसी क्या हो सकती है कि उनको ये रास्ता अपनाना पड़ा। बिल्कुल रूबी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रयागराज बागंबरी पीठ के पीठाधीश्वर महंत नरेंद्र गिरी महाराज जी का निधन हो गया है, और निधन से काफ़ी शोक की लहर देखी जा सकती है। हालांकि जो उनकी मौत हुई है वो बेहद ही संदिग्ध है, क्योंकि कमरे के अंदर पंखे से लटका उनका शव मिला है और बगल में ही उनका सुसाइड नोट भी है 5 पन्नों का वो मिला है, जिसमें कई नाम शामिल हैं और उसमें एक नाम उनके शिष्य आनंद गिरी का भी है। तो ऐसे में लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ती हूँ, रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जन आशीर्वाद यात्रा में शिरकत करने हरिद्वार वो पहुंचे, जहां उनका स्वागत फूलमालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। इस दौरान उन्होंने रुड़की और भगवानपुर विधानसभा में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं भगवानपुर में रविदास मंदिर में मुख्यमंत्री ने लोगों को उनकी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 60 सीट देने का लक्ष्य भी रखा है। इसके साथ ही सीएम ने बिना नाम लिए विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ वादों पर निर्भर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी रोजगार देने के 24,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया खुल चुकी है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के तहत आमजन का आशीर्वाद लिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में चुनाव करीब हैं, ऐसे में कोई भी पार्टी किसी तरह की कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती, तो ऐसे में बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है। कांग्रेस की परिवर्तन रैली के तुरंत बाद बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली उसी सियासत चाल का नतीजा है। में हमारा संगठन का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में भाग लिया है, जो हमारी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी है और सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि सभी कार्यकर्ता लोग जो है लगे हैं और जो उससे लगे वो हमारी जन आशीर्वाद रैली है और उस रैली के माध्यम से हम सभी लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। उसी क्रम में आज भगवानपुर गया, पंजाब में परिवर्तन हो तो गया, भगवानपुर में पधारकर भगवानपुर के सम्मानित जनता का सम्मान रखा और यहाँ पर जो कुछ विकास कार्य लिखित रूप में उन्हें दिए गए उन्होंने मंच के माध्यम से उनकी घोषणा की है। मैं आग्रह करूँगा आप लोगों के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि अपनी उन घोषणाओं को बहुत जल्द चुनाव से पहले पूरा करें, जिससे कि यहाँ पार्टी आने वाले 2022 के चुनाव में मजबूत हो। चल रहा है भी आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी ने भगवानपुर में भी परिवर्तन यात्रा की है, हम उस परिवर्तन यात्रा का स्वागत करते हैं। इसलिए करते हैं कि यहाँ की जनता वास्तव में भगवानपुर विधानसभा की जनता परिवर्तन चाहती है और यहाँ पर जो विधायक है इस समय भगवानपुर की, निश्चित रूप से यहाँ की जनता बहुत उकता गई है, बहुत परेशान हो गई है, व्यवस्था पूरी तरह उनके माध्यम से खराब हो चुकी है, इसलिए यहाँ का विधायक परिवर्तन करना यहाँ की जनता चाह रही है, इसके लिए हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
अपनी सरकार 60 के बाद उसके चलते इस तरह मोदी जी ने लॉकडाउन में सबको सुविधा देने का काम किया है। अगर तक लॉकडाउन में हर तरीके की हमने सुविधा को पहुँचाया है, उसके लिए हम स्वयं अपने पूरे उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो देखी चलाई है जन आशीर्वाद यात्रा, हमारा मात्र लक्ष्य वही है ताकि हम हर एक हर एक जन तक पहुँचे और उनका आशीर्वाद दें, क्योंकि मोदी जी सरकार ने लॉकडाउन में बहुत अच्छे से सबको सुविधा पहुँचाने का काम किया, इसलिए हम स्वयं अपने लोगों तक मिल रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए हम ये मंच के द्वारा कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर अगर मैं जिला हरिद्वार की बात करूं तो जो विधानसभाएं हमारी छूटी हैं वो कई बहुत ही कम वोटों की वजह से छूट गई है, और सुबोध राकेश एक अपना हुआ ऐसा नाम है जो अपने आप में जिला हरिद्वार को एक समर्पित नाम है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा खुलने के बाद से ही बड़ी तादाद में लोग तीर्थ यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिस पर प्रदेश के पर्यटन और तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शुरुआत में ही चारधाम यात्रा के लिए करीब 42,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए लोग इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि लोग अपने घरों में बंद बंद महसूस कर रहे थे और उत्तराखंड की आबो हवा अच्छी है, इसलिए लोग यहाँ आना चाहते हैं। आपको बता दें कि यात्रा की शुरुआत के 2 दिनों में ही 42,000 से अधिक लोगों ने चारधाम यात्रा यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दूं कि सरकार की ओर से जारी SOP के अनुसार बद्रीनाथ धाम में 1,000, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री धाम में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 लोगों को ही एक दिन में यात्रा करने की अनुमति दी गई है। निश्चित रूप में ये बड़ी खुशी की बात है कि पहले ही दिन 42,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, ये बड़ी खुशखबरी है। इसका मतलब यह है कि लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग अपने आप को पिंजरे में बंद करा महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम धार्मिक जगह में जाएं, खासकर उत्तराखंड में जाएं, जहाँ की आबोहवा बड़ी स्वच्छ है और हेल्थ गिविंग है, बामी एयर है यहाँ की, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है। और जैसे जैसे लोग जाते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, यात्रा पूरी रेगुलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पूरे निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा को देखें और जो SOP है उसका पालन करें, तो SOP का पालन करते हुए ये यात्रा चलेगी। मौसम विभाग ने जो यात्री हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मौसम विभाग से उसका जो फोरकास्ट है उसकी सूचना लेने के बाद ही यात्रा शुरू करें, और हमने जगह जगह हमारे SC और हमारे जो चीफ हैं हर जिले के अंदर वो पहुँच गए हैं, सब जगह तैनात हो गए हैं, और इस समय हमने जो हमारे गड्ढे हैं उनको भरने का भी हमने अभियान चलाया है कि जगह जगह जो हैं पॉट होल्स को भरे जाएं, तो उसका भी वहाँ अभियान चल रहा है हमारा। BJP प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने BJP सरकार को 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार के कामों को जनता के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार के कामों के बारे में जानकारी देते हुए हमारी सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार समेत प्रदेश के विकास के लिए कई बेहतर काम किए हैं। इसके साथ ही जोशी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों को हमारी सरकार के कामकाज नहीं दिखाई देते वो अपना चश्मा ठीक करवा लें, और 2013 से 2017 तक की सरकार के बजटीय प्रोविजन की तुलना 2017 से बनी हमारी सरकार के बजटीय प्रोविजन से कर लें, उन्हें हकीकत का पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 5 वर्ष की सरकार ने अपने हर वायदे को पूरा करने का भरसक प्रयास किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, हम सभी में पूरी तरह से सफल रहे हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि वैक्सीनेशन में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और दिसंबर माह तक हमें आशा और उम्मीद है कि उत्तराखंड में सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। और साथ ही साथ हमारे प्रतिपक्ष के लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों को नहीं देख पा रहे अपने चश्मे से, मैं उनको सिर्फ इतना बतलाना चाहता हूं, अगर 2013 से लेकर 2017 तक जो उन लोगों की सरकार चली उसका बजटीय प्रोविजन वो देखेंगे और इस सरकार का बजटीय प्रोविजन देखेंगे तो उनकी भी आंखें खुल जाएंगी, मुझे सिर्फ इतना कहना है। उत्तरकाशी के सीमांत ब्लॉक विकास खंड भटवाड़ी की ग्राम पंचायत भंगेली के प्रधान प्रवीण प्रज्ञान द्वारा 19 सदस्यीय ट्रैकिंग दल गिटारा बुग्याल के लिए रवाना किया गया, जिससे बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के चेहरे खिल उठे। बता दें कि पिछले 2 सालों से गिटारा बुग्याल ट्रैक रूट बंद था, जिसे गाँव के घोड़ा खच्चर व्यवसायी, पोर्टर, गाइड और होम स्टेट संचालित कर रहे लोगों का व्यवसाय ठप था।
वहीं अब ट्रैक दोबारा खुलने से इन सभी को अपना रोजगार वापस मिल सकेगा। वहीं इस दौरान ग्राम प्रधान ने कहा है कि ट्रैक रूट खुलने से गाँव के युवाओं को रोजगार की आस जगी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार की कमी के चलते बुग्याल पर्यटक प्रेमियों से कोसों दूर है। उत्तरकाशी में विकासखंड डूंडा के उजरी और हुलियान गांव में इंद्र आवास योजना और अटल आवास योजना में भवन निर्माण के नाम पर ग्रामीणों से पैसे मांगने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ ग्रामीणों की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जांच पूरी होने तक आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी को विकास खंड चिनियाली सौड़ में अटैच कर दिया है। बता दें कि डूंडा ब्लॉक के उजरी और हुलियान गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ लिखित शिकायत दे चुके हैं ग्रामीण, जिसमें ग्रामीणों ने आरोपी अधिकारी पर पैसे लेकर भी अटल आवास योजना और इंदिरा आवास योजना से नाम पर न होने का आरोप लगाया था। मामले में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ग्रामीणों के आरोप सही निकले तो आरोपी ग्राम विकास अधिकारी को बर्खास्त किया जाएगा। अच्छा राजेंद्र बुटोल के यहाँ से खाए थे ने कलोनी लेकिन तुम्हारे काम नहीं करे ना हो रहे दिनों आम काटें थे। अच्छा अच्छा दो तीन हजार तफंड भी खाए तफंड भी कर डूंडा तेरे अब फंड मारी और तो कुकत खुआ तेर मोल है मार 3000 रुपये। ये मामला अभी संज्ञान में लाया गया है, जिसमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि राजेंद्र बुटोला जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनके द्वारा इंदिरा आवास के बदले उनसे पैसे की डिमांड की गई है या प्रधानमंत्री आवास के बदले पैसे की डिमांड की गई है, तो उन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। DDO साहब के द्वारा एक इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है और तब तक जब तक जाँच पूरी ना हो जाए तब तक उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के रानीगढ़ क्षेत्र में जसौली GIC चमकोट मोटर मार्ग निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि अगर जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं होता तो जनता श्रमदान कर सड़क का निर्माण शुरू करेगी। बता दें कि ग्रामीण जसौली से राजकीय इंटर कॉलेज चमकोट तक सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं। मामले में ग्राम प्रधान अर्चना ने बताया कि लंबे समय से ग्रामीण सड़क निर्माण को लेकर शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वन भूमि के चलते सड़क को लटकाया जा रहा है। अब ग्रामीणों ने खुद ही सड़क का निर्माण कराने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा कि सड़क के अभाव में समय पर स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मदन मोहन ने कहा कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान में जसौली की दलित बस्ती को शामिल न किया जाना किसी साजिश का हिस्सा है। इस सड़क के निर्माण से कोई जन सुविधा केंद्र जुड़े हुए हैं। सड़क के बनने से स्वास्थ्य केंद्र, इंटर कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र और उससे जुड़ी जनता को भी लाभ मिलेगा। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के जिला उपाध्यक्ष मोहित डीमरी ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि कई गाँव आज भी यातायात से वंचित है। वहीं मामले में जिलाधिकारी ने कहा है कि नोडल कार्यालय से भारत सरकार को जल्द ही फाइल भेजी जा रही है और वो खुद लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरा इस मामले पर आज से नहीं, पिछले लगभग 20 सालों से हम इस रोड को लेकर के तमाम सरकारें आई, लेकिन अभी तक हमेशा आश्वासन से बात चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। कुछ सर्वे होते रहे, बातचीत होती रही, लेकिन रोड का मामला सॉल्व नहीं हुआ। पिछले चुनाव में हमको लगा था कि ये हमारे विधायक यहाँ पर इसको लेकर के काफ़ी गंभीर दिखाई दिए थे चुनाव से पहले, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इसको लटकाया गया था, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये लटकाने के पीछे हमारी तमाम एक मशीनरी जैसे काम कर रही थी, लेकिन अब जनता इस बात को पूरी तरह समझ गई है कि इस रोड के पीछे कौन सी चीज़ें हैं। और दूसरा ही उन्होंने सब उन सारे नियमों का उल्लंघन किया। जसौली गांव का एक हिस्सा है GIC चमकोट, चमकोट एक गाँव है जहाँ पर GIC भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, आंगनवाड़ी केंद्र भी है, चाहे इसे हम सरकारी प्ले स्कूल क्यों ना कहें, उसके अलावा प्रधान के कार्यालय और बाकी सारी गतिविधियां वहीं पर संपन्न होती है। उसके बावजूद ये जो रोड का मसला है GIC चमकोट, वो विगत वर्षों से अटका हुआ है। 2015 में इसकी लास्ट सर्वे हुई थी, जिसके बावजूद अभी तक भी इस पर कोई भी तरीके के हमें कुछ सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिले हैं, जिसके लिए हमारे साथ कोई प्रतिनिधि हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने शासन प्रशासन सब जगह कोशिशें की, मगर कोई हमारी बातें सुनने को अभी तक भी तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण मजबूरन गांव वालों को, इस गरीब जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जो कि
हरिजन बस्ती है जो स्पेशल कंपोनेंट विलेज के अंतर्गत आती है, उसके बाद भी इस रोड के लिए कोई भी मतलब प्लांट्स को लेकर इसमें मुद्दा अटक रहा है, जिसमें 50 पेड़ बताए गए, बल्कि वो 50 पेड़ है ही नहीं है, पेड़ दिखाने के पीछे भी एक साजिश मानी जा रही है, जिससे कि वो उस हिस्से को रोड से ना जोड़ा जाए। देखिए, एक और हमारे विधायक जी कहते हैं कि हमने गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया है, वहीं आज भी कई ऐसे गांव हैं जो सड़कों से महरूम हैं। लंबे समय से ग्रामीण जसोली चमकोट मोटरमार्ग निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मोटरमार्ग निर्माण में वन भूमि आड़े आने के चलते इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, और जिस क्षेत्र में इस मोटरमार्ग का निर्माण होना है यह हमारे विधायक जी का गृह क्षेत्र भी है। स्थानीय लोग कई बार विधायक जी से संबंध में वार्ता भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिए जाते हैं, लेकिन मोटरमार्ग निर्माण की दिशा में कोई भी कार्रवाई अभी तक होती नजर नहीं आ रही है। उत्तरकाशी में बीते रविवार को देर रात जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक विवाहिता की मौत हो गई, जिस पर मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि दिन में भी विवाहिता का प्रसव ऑपरेशन के जरिए करवाया गया था और कुछ ही घंटों के बाद दूसरा ऑपरेशन कर दिया गया, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि दोषी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मामले में डूंडा विकासखंड के छमरौली गांव निवासी प्रवीण नोटियाल ने बताया कि वो बीती शनिवार रात प्रसव पीड़ा के चलते अपनी 22 वर्षीय पत्नी आशा देवी को जिला अस्पताल ले गए थे। हॉस्पिटल में लाया था एक स्वाट एम्बुलेंस पर, तो इन्होंने मैंने खुशबू मैम से पूछा कि इन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा क्योंकि बच्चा उल्टा है, तो आप मुझे मैं बोले मैम ऑपरेशन सही होगा, क्योंकि हाँ ऑपरेशन होगा ठीक है, पर उसमें जो होती है वो उन्होंने बता दी था फॉर्मेलिटी। उन्होंने ऑपरेशन किया, बच्चा भी ठीक था, माँ भी ठीक थी। 10 बजे ऑपरेशन हुआ, 11 बजे सुरक्षित बच्चा भी था, माँ भी था, तो उन्होंने वार्ड में भर्ती शिफ्ट कर दिया, तो 6 बजे के आसपास पैन होने लगी, फिर सर मैं आपको बता दूं ये सारे बोतल किसने मंगाई थी, ऑपरेशन क्या बोला सर? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे भी इसका बड़ा खेद है, दुख है। मुझे जो है रात को 9:45 करीब हमारी गायनेकोलॉजिस्ट जो है मैडम डॉक्टर खुशबू पुजारी का फोन आया था कि एक हमने सीजर किया है सुबह, उसकी जो है कुछ कंडीशन खराब हो रखी है, उसको कहीं ब्लीडिंग ना हो रही, बीपी कम हो रखा है, तो उन्होंने सीटी में उसको भेजा गया था, तो सीटी में जो है इसकी रिपोर्ट में ब्लड अंदर इकट्ठा पाया गया और उसमें जो है साथ में उसका बीपी 2 हो रहा था, और उसमें अर्जेंट जो है इमरजेंसी जो है हिस्टेरेक्टमी ही एक ऐसा चाह रहा था जिसमें हम बच्चेदानी जो निकाल दें तो उसकी ब्रीडिंग या जो कारण वो बंद हो सकती थी। तो जब वो पेशेंट को लाया गया तो उस समय करीब 7:30-8 बजे शायद डॉक्टर साहब बताते कि उनको कंप्लेंट आएगी ये दिक्कत है, 8:30-9 बजे के करीब उसका 4 बोतल ब्लड की भी चल रही थी, 2 ब्लड चल रहा था, ब्लड उसका अरेज था, मगर जो उसका बीपी था 65-70 के बीच में था, इसी उसमें जो है उसको जो है हमने जो बेहोश करने का तरीका भी था वो भी ट्यूब डाल के किया गया, जीए में किया गया ताकि उसका बीपी कम ना हो। उत्तरकाशी में 2022 के लिए गंगोत्री विधानसभा में बीजेपी नेता सुरेश चौहान को बड़ा समर्थन हर पट्टी में मिलना शुरू हो गया है। लालघाटी नाम से जानी जाने वाली गाजना पट्टी में बीजेपी नेता सुरेश चौहान को बड़ा समर्थन 2022 के लिए मिल रहा है। हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में तमंचे के बल पर बीते दिनों हुई लूट का एसएसपी हरिद्वार ने थाना सिडकुल में खुलासा किया। मिली जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को तमंचे के बल पर लूट को अंजाम देने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए थाना सिडकुल पुलिस की तरफ से कई टीमें गठित कर दी थी और आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता यहाँ हाथ लगी है। सतपुली सिद्धिविनायक गणपति महोत्सव समिति सतपुली के तत्वाधान में गणपति विसर्जन यात्रा धूमधाम से निकाली गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालुओं ने सतपुली के मुख्य बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली और उसके बाद उनका विसर्जन जो है वो विधि पूर्वक किया गया।
श्रीनगर में नारी सशक्ति देश सशक्त की थीम पर महिला पुलिसकर्मियों में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए आयोजित एक सप्ताह का आत्मरक्षा प्रशिक्षण अब खत्म हो गया है। इस मौके पर एसएसपी पौड़ी ने महिला पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी जिले के कई स्कूलों कॉलेज और कार्यालयों में काम करने वाले युवकों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी देंगी ताकि यहाँ की बेटियाँ पूरी तरह से आत्मरक्षा खुद की कर सकें। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।